ॐ जय कृष्णाय नमः जगतारक है चरणों में नमो नमः ॐ जय गुरुदेवाय नमः भक्त वत्सल कृपालु कृपा है करते स्वामी कृपा है करते झोलियां है भरते ॐ जय गुरुदेवाय नमः। मन सबसे बड़ा वाइटल है, सबसे पहले रोग भी मन में उत्पन्न होता है, शरीर में बाद में उत्पन्न होता है। इसलिए मनोचिकित्सक जो है सबसे पहले मन का चिकित्सा करते हैं ना जी। विदेश में मनोचिकित्सकों की कीमत बढ़ रही है, यहां भी अब बढ़ रही है। हमारे मन में आता है बुराई और अच्छाई, किसी के बाद किसी के लिए प्रेम किसी के लिए घृणा मन में आता है। इसलिए पहले मन की हम लोग चिकित्सा करें। अब मन को चिकित्सा करने के लिए कहता है मन से सुमिरन करो, इसीलिए सुन सुना है कि माला टोपी सुमिरने सदगुरु दिया बक्शीस। यह गुरु बख्शीस देता है, इनाम में देता है, लो सुमिरणी। किस लिए? मन को इस सुमिरणी से तारतम जोड़ो। मन जो है और बात सोच रहा है छोड़ दे, इस सुमिरणी के साथ मन से जोड़ दो, उस सुमिरण करे, परमात्मा का सुमिरण करे। हमारे सामने रोज अक्सर लोग कहते हैं गुरु जी, तो हाँ बच्चा जी ध्यान कहते हैं, कहने ध्यान मन नहीं लगाता है ना जी, ध्यान मन नहीं लगता है। फोन करता है कि ध्यान में मन नहीं लगता है, क्या करें? कहते हैं ध्यान में बच्चा मन कैसे लगेगा, जब तू आंख बंद करेगा तो आंख बंद करते ही संसार आ जाएगा। बोलो आता है कि नहीं? जो आंख बंद करेगा संसार आ जाएगा, जब खोलेगा तो संसार सामने है, बंद करेगा तो आ जाएगा। वही जन्म जन्म तुम संसार में ही रहने का अभ्यस्त है, जन्म जन्म संसार को देखने का अभ्यस्त है, जन्म जन्म संसार के बंधनों में अभ्यस्त है। जिसका अभ्यास है वही ना आएगा बच्चा, इतना जल्दी कैसे छूटना चाहता है? छुमंतर जन्म जन्म अभ्यास है संसार का, इसलिए आंख बंद करते संसार आ जाएगा। इसीलिए गुरु सुमिरणी देते हैं। लो कहा कि फिर नहीं, तू पर टोपी पहना देते हैं, पगड़ी बांध देते हैं, फिर नहीं फिर माला पहना देते हैं। तू अपने को पहले देख लेगा कि हाथ में माला, गर्दन में माला, कपार पर पगड़ी, तब क्या करें? माला टोपी सुमिरणी, तब तो हमको संसार से अलग हो जाना है। यह टोपी क्या है, सफ़ेद वस्त्र क्या है? तो अब तो हम जो है मरने पर जो है राम नाम सत करके सफ़ेद वस्त्र उड़ा दिया जाता है, हम जिंदे ही सफ़ेद वस्त्र पहन लिए हैं, मैंने संसार से हम मर गए हैं, संसार हमारे लिए मर गया है। जैसे ही यह तुम्हारे मन में विरक्ति आ जाती है, संसार हमारे लिए मर गया है, हम संसार के लिए मर गए हैं, यह सफ़ेद वस्त्र इसलिए दिया जाता है, माला टुंबी सुमिरणी इसलिए पहनाई जाती है, संसार हमारे लिए मर गया है, निराश है, मन से मर गया है, हम संसार के लिए मर गए हैं। तब जो है संसार नहीं रहा, मर गया, तो ज्यों ही आँख खोलेगा वह बंद करेगा, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, अब सूर्य आदरण में उस परमात्मा को ही सुमिरण करेगा ना, वह परमात्मा दिखाई देने लगेगा। डू यू फॉलो? यह बड़ा सा टेक्निक मनुष्य, अब वही दिखाई पड़ेगा। अभी तो तुम लाख आंख बंद करने के, तुम जो है अब इस तरह से भी सोचो, 24 घंटा संसार में दे रहता है, 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लेगा परमात्मा दिखाई पड़ेगा? यह कौन सा चुमंतर, संभव नहीं है। इसलिए चलतम फिरतम करतम ध्यानम, चलते रहो फिरते रहो, माला टोपी सुमिरणी लिए रहो और ध्यान करते रहो, मन उसको लगाते रहो, लगते लगते एक दिन आएगा संस्कार तुम्हारे मन से गिर जाएगा, परमात्मा तुम्हारे मन में चढ़ जाएगा। यह एक टेक्निक दिया गया, अब समझ लो। इसीलिए कहते हैं कि मन सावाचा कर्मना, और जब मन में उठ जाएगा तब जो है वचन से जब निकलेगा तब यही बोलेगा श्री राम जय राम जय जय राम,
अब वचन से भी वही निकलेगा, कोई प्रणाम करेगा मंगलम मंगलम अभारोर मंगलम, भगवान मंगल करे मंगल करे, अमंगल तुमसे गिर जाएगा, अब किस लिए अमंगल, अपने के लिए भी मंगल, पराए के लिए भी मंगल, पड़ोसी के लिए भी मंगल, शत्रु के लिए भी मंगल। तुम सब जब सबके लिए मंगल की ही कामना करेगा तो तुम्हारे लिए भी मंगल ही रहेगा। जब हम सबके लिए मंगल करेंगे तो हमारे लिए मंगल रह जाएगा ना, मंगल ही रह जाएगा। इसलिए यह मन से जब मन गिज हो जाएगा तब वचन भी हो जाएगा, मनसा वाचा, बड़ा सूत्र कहे, तब कर्मणा, तब कर्म में भी उतर जाएगा। अब हम किसी के लिए कोई बुरा कर्म नहीं कर सकते, पूरे सृष्टि के लिए, जीव जगत के लिए, सबके लिए हम मंगल ही कर्म करेंगे। देखता है लोग कुछ क्या करता है दुष्ट जन, अपने पानी पी लेगा, उस पानी में थूक देगा, उस पानी में जो है जहर मिला देगा, तो उस पानी में कुछ ना कुछ बुराई कर देगा, जाओ पी लो कदम, बड़ा खुश होगा, वह दुष्ट जन, प्रेत है, जिंदा प्रेत है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, जब तुम्हारा यह बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, वचन भी बदल जाएगा, तब कर्म भी बदल जाएगा। अब कर्म भी अपने लिए, सबके लिए तुम अच्छा ही करेगा, क्या अपना क्या पराया। सुना है बंगाल में एक बड़ा गुंडा था, लंट था, लड़कों को पीटता था, दादा था। जब बंगाल में प्लेग आया तो ये लड़के जो है उसके घर में भी सब मर गया, वह पहलवान था, दादा था, वह जो है गिरा हुआ था, वे लड़के झुंड के साथ गए उसके घर में भी सफाई करने लगे, और सफाई करने के बाद कहे कि आप घबराइए मत, आपके घर में भी हम लोग साफ कर दिए। वह दादा रो रहा था कि हमारे यहाँ कोई नहीं रह गया, अकेले हम हैं, बच्चा तुमको हमने बड़ा मार मारा था, इधर जरा आओ। कहा कि कोई बात नहीं, आप हमको मारे थे, लेकिन हम जो हैं आपके प्लेग को मारेंगे। वह लड़का कहा कि आपने हमको मार कर ठीक किया, अब हम में शक्ति आ गई है, हम आपके प्लेग को मारेंगे और आपके घर को रोज साफ करेंगे, आप जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाइएगा। वह सचमुच में दादा जो है स्वस्थ हो गया, उस लड़के को हाथ अंक में पकड़ कर रोने लगा, कहा कि तुम लोगों को तो बड़ा हम दुष्ट जानते थे, लेकिन दुष्ट निकले हम ही ना। वही लड़का आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस हुआ। देखो तुम्हारे अंदर जो भी बात है वह प्रकट हो गई, देखो सुभाष चंद्र बोस हुआ, क्रांतिकारी। इतना नहीं कहा कि तुम हमको मारे हम भी तुमको मार रहे हैं, नहीं, यह मनसा वाचा कर्मणा तीनों जो को कहते हैं, कबीर साहब तीनों को पकड़ लिए हैं, इसलिए कहते हैं हम लोगों की मनसा वाचा कर्मणे मीटे सकल अपराध। और जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों तुम पवित्र हो जाएगा, तब तुम में सारे तरह के अपराध मिट जाएंगे, अब तू अपराधी नहीं रह जाएगा, तू परम पवित्र हो जाएगा। अपराध हम यही तीनों से करते हैं, बस इसलिए हम यह कहेंगे, आप लोग इतने आदमी बैठे हैं, इसमें से एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी भी हम मनस मन से, वचन से, कर्म से अपने को हम स्वस्थ कर लें, निरोग कर लें, न मन से हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, न वचन से हम बुरा बोलेंगे, न कर्म से करेंगे, यह बहुत बड़ा तपस्या है। जो तो कोई कांटा बोए ताको तो वो फूल, तो के फूल के फूल है वाको है त्रिशूल, कबीर साहब यह भी कहते हैं, जो तुमको कांटा बो रहा है, बबूल बो दिया तो बबूल गड़े, उसको भी तो गड़ेगा, लेकिन तू तो फूल लगा, फूल लगाएगा तुम जा जिधर जाएगा फूल मिलेगा, सुगंध मिलेगा, उधर जाएगा उधर बबूल कांटा मिलेगा। इसलिए हम लोग अपनी बात सोचें, प्रिय आत्मन, आज हम लोग
इस महीना का अंतिम दिन है ना, अंतिम दिन और इस साल का अंतिम फाइनेंशियल दिन है, रविवार भी है, सुंदरबली नजीमाबाद के गांव में हम लोग सत्संग के लिए अवस्थित हैं। यहाँ आए हुए साधु महात्माओं को मेरा नमन है, प्रणाम है, अभिनंदन है, और यहाँ के वासियों को भी मेरा नमन है। सुने हैं हम एक पुराण की कथा, कथा नहीं कहेंगे, कथा कहने के आदि नहीं है, क्योंकि कथा तो आप सब लोग चारों तरफ सुनते ही हैं रात दिन। इशारा करते हैं भगवान नारायण सो गए, उनके कान से मधु कैटब निकलता है, रक्त बीज निकलता है। यह बार बार राक्षस निकले हैं, जब जब वह सोए हैं तब तब, यह इशारा समझ लीजिए। जब सो जाते हैं तो उनसे रक्त बीज निकलता है और युद्ध होता है, युद्ध होता है। रक्त बीज से जितने रक्त निकलते हैं उतना वह रक्त बीज खड़ा हो जाता है, मधुकैटभ से भी जितने निकलते हैं रक्त उतना खड़ा हो जाता है। नारायण भी उसे युद्ध नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तब उन्हीं से कोई शक्ति निकलती है। बद्रीनाथ गए होंगे तो आप लोग, एक एकादशी गुफा है हमारे आश्रम से पहले थोड़ा दूर पर, एक एकादशी निकलती है उन्हीं से, शरीर से, हृदय से निकलती है, और वह जो है इन राक्षसों को मारती है। कथा यही है। मतलब आप लोग क्या समझें, हमको मतलब समझाना था। जब आपको परमात्मा का स्मरण रहता है तो आप नारायण स्वरूप हैं, और जब विस्मृत हो जाते हैं तब रक्त बीज का आगमन हो जाता है। स्मरण ही परमात्मा स्वरूप है, और विस्मरण हो जाना ही संसारी हो जाना है। हम जब विस्मरण, रक्त बीज के एक रक्त से रक्त बीज बनने लगते हैं, मतलब हमारी जो कामनाएं हैं, काम वासनाएं जो हैं, वह रक्त बीज के तरह भभक भड़क उठता है। एक कामना पूरा नहीं किया, दस कामनाएं आ जाएगी, एक काम पूरा नहीं किया, दस काम आपके सामने खड़ा हो जाएगा। यही रक्त बीज है, यही राक्षस है, हमारी कामनाएं भड़क उठती है। आप लोग यह सुन लिए कि जब नारायण के सो जाने पर उन्हीं के कान से निकल आता है और उन्हीं से युद्ध करने लगता है, आप भी जैसे ही अपने अंदर स्थित नारायण को भूल जाइएगा, आपके ही अंदर से वह कामनाएं निकल आती है, और वह कामनाएं इतनी बुरी तरह से आपसे युद्ध करने लगती है कि आप परास्त हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। उसका एक ही उपाय है, आकि गुरु के शरण में जाइए और उसे स्मरण करने की कला सीख लीजिए, सदैव स्मरण बनने में रहिए, फिर रक्तबाज कभी जन्म ही नहीं लेगा और नारायण स्वरूप ही होकर के आप इस संसार से विदा हो जाएंगे। हम यह पुराण की कथाएं हरदम हर समय हमको इंगित करती है अपने अंदर जाने के लिए, लेकिन हम लोग पुनः जो है बाहर भटक जाते हैं खोजने के लिए। सो जाना, विस्मरण हो जाना। हम कल मैं कह रहा था, हमको अपने से नहीं कहना चाहिए, लेकिन वह गीता पर जो विद्वान लोग बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि बड़ा अद्भुत है यह, क्योंकि वह भी हमने बोला है रामायण पर, जो मेरे राम कहा मैंने बोला, सब किताब पर मैं बोलता हूँ। कल मैं बोला कि एक बार भी एक सब्जेक्ट पर बोलता हूँ, दोबारा नहीं बोलता हूँ। इस तरह से शुरू हो गया है, उस आगे बढ़ जाता हूँ। अभी कबीर साहब की भी बीजक पर मैं बोल दिया हूँ। मैं जब पंजाब रहा तो गुरु नानक के साखी पर, जपजी साहब पर बोल चुका हूँ, सब किताबें आ चुकी है आप लोगों का। देखो ये पंजाब के बैठे हैं, वही नहीं, इनके एक बहुत बड़े कथा प्रचारक थे मस्किन साहब, नजी मस्किन साहब का भी नाम हम बाद में जाने,
वो गोल्डन टेम्पल में बैठकर कथा कह रहे थे, अब तो शरीर छोड़ दिए। वो मेरी किताब दिखाकर बोले कि देखिए स्वामी कृष्णानंद जी का यह किताब एक ओंकार गुरु नानक देव पर जो भाष्य बोले हैं इसको पढ़कर मैं कुछ कुछ सत्य जान गया। देख तो हम जो बोलते हैं, मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, साइंस का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इसलिए हम लोगों को शोध करने की क्षमता, शोध करने की एक आदत है, उसमें सत्यता खोजने की, सत्य बात को, उस जो की बात को ढूंढ निकालने के लिए। हमारे ऋषि महर्षि जितने थे ये सब के सब वैज्ञानिक थे। ऋषि का अर्थ होता है ऋषि, आप लोग ये जानते हैं कि संस्कृत से ही सब भाषाओं का व्युत्पत्ति हुआ है, संस्कृत से ही अंग्रेजी भी बना है। ऋषि का अर्थ होता है टू रिसर्च, अन्वेषण करना। हमारे ऋषि अन्वेषण करता थे, वैज्ञानिक थे। उस समय कणाद ने 80 एलिमेंट का खोज किया था, कणाद 80 एलिमेंट। हम लोग पढ़ते थे उस समय 108 एलिमेंट का खोज हुआ था, अभी 120-125 एलिमेंट खोज हो गया, रोज खोज आ रहा है। अभी दुर्भाग्यवश यह जो है भगवान बुद्ध के बाद से, माने 2500 वर्षों से, अब जो एक बुरा मत मानना, बड़ा विनम्रता पूर्वक यह कहना पड़ रहा है, जो एक दरखास्त नहीं लिख सकता है वह धर्माधिकारी बन के जाता है, जिसको एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलता वह जो है राजनेता बन जाता है। यह दो क्षेत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक जो है धर्म का क्षेत्र, एक राजनीति का क्षेत्र, दोनों जो है हम लोग साधारण बुजुर्गवा वर्ग के लोगों के लिए छोड़ दिए। पहले मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ द सोसाइटी धर्म में आती थी और वह राजनीति पर नियंत्रण रखता था, अब जो है दोनों में भगवान भरोसे हिंदू होटल हो गया है दोनों के दोनों। और जब जिसको कुछ नहीं मिलता है वो हमारे ऐसा दाढ़ी बढ़ाकर साधु बन गया, कुछ नहीं मिलता है वो राजनीति में आ गया, और एक दिन लड़ते भिड़ते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, फिर तुम्हारे राष्ट्र का निर्णय करता है, भाग्य का निर्णय करता है। यह राम से लेकर, कृष्ण से लेकर, कपिल कणाद से लेकर के शुरू से लेकर ऋषि अत्रि जागवल्क गर्ग गौतम भारद्वाज से लेकर के रामकृष्ण बुद्ध महावीर तक, दे आर मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन द सोसाइटी, सबसे तेज तरार आदमी धर्म में आता था और धर्म में डुबकी लगाता था, कुछ वह पा जाता था तो पा जाता था, पूर्ण दुनिया को देने के लिए आ जाता था। लास्ट में यही अभी भी कभी कभी लोग डुबकी लगाते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, मैं कह रहा था हिंदू एक महासमुद्र है, जिस समुद्र में बुद्ध ने डुबकी लगाया और बौद्ध धर्म का दर्शन दिया, और आधी पृथ्वी आज बौद्धिस्ट है, यह समझो आधी पृथ्वी बौद्धिस्ट है। उसी में लेकिन संयोग से बिहार में ही डुबकी लगाया था, और भगवान महावीर भी डुबकी लगाए और जैन धर्म का प्रवर्तन किया, और वहीं बिहार में ही एक तीसरा व्यक्ति डुबकी अभी लगाया है जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह, वह भी वहां डुबकी बिहार में ही लगाए और जन्म लिए, जिसका एक जो है संप्रदाय चला सिख। समय के सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री बद्रीनाथ धाम में 3 दिवसीय प्रेम साधना आयोजित की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय योग साधना शिविर में सम्मिलित होकर आप साधना एवं ध्यान की गहराइयों में डूबने की कला सीख सकते हैं, तथा अपने आहार व्यवहार योग ध्यान के माध्यम से असाध्य रोगों से छुटकारा पाने की तकनीक भी प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में पितृमोक्ष साधना एवं स्वर योग साधना का विशेष प्रशिक्षण दिनांक 27 व 28 सितंबर को सद्गुरुधाम आश्रम डुमरी वाराणसी में सर्व पितृ श्राद्ध साधना शिविर संपन्न होगा। इस 2 दिवसीय साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक साधक अपना निबंधन 25 सितंबर तक अवश्य करा लें। दिनांक 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक सद्गुरुधाम आश्रम डुमरी वाराणसी में शरद नवरात्रि महापर्व के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव इच्छुक साधकों को स्वर योग साधना प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे साधक ध्यान की गहराइयों में उतरकर रोग मुक्त एवं समृद्ध जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। निबंधन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2019। संपर्क सूत्र 9968430203।